जिसमें दम होगा वही पथरा को ही बनाएगा, और हम में दम है। हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। हम बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जो लोग बोलते क्या मतलब निकाला जाए, जो मतलब बोलते थे, मतलब क्या निकाला जाए, जो लोग बोलते मंदिर को भव्य बनाएंगे, नहीं जो बोलते थे का भी है, जो बोलते थे जी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो लोग बोलते थे कि अगर अयोध्या में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, कहां गए सब, कहां गायब हो गए। हमें दम था, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया, दंगे की चोट पे करके दिखाया। देखिए इसको आप दम कह रहे हैं, इसको हमने कहा काशी, आप इसको दम कह रहे हैं, लेकिन इस देश में एक गैंग है, वो कहता है ये कॉम्युनल एजेंडा है, ये कॉम्युनल एजेंडा है, ये कट्टरवाद है और ये हिंदुत्व है, जिसको आप कह रहे हैं हमारे में दम है, ये दबंगई जो है इसको कट्टरवाद से जोड़ा जाता है। कट्टरवाद नहीं है, ये अपने गौरव और अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा की पुनर्स्थापना का एक अभियान है। नए भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का एक हिस्सा है। हमें भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति हो सके, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हम कर सके, यह उसका एक हिस्सा है। यह अवसर कांग्रेस को मिला था। सरदार पटेल जी ने स्वतंत्र भारत में सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार से इस कार्यक्रम का शुरुआत किया था। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस कार्यक्रम में, पुनरुद्धार कार्यक्रम के लोकार्पण में जाकर के देश को एक संदेश दिया था। कांग्रेस ब्रेकर बनी, कांग्रेस उसमें बाधक बनी, कांग्रेस ने कभी भी इस एजेंडे को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो एक कांग्रेस का पाप देश के खिलाफ। दूसरा, 1990 के बाद कांग्रेस विरोधी लहर में विभिन्न दलों को सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ। देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस के पाप से उब चुकी थी, उन्होंने कांग्रेस से किनारा कसा और अयोध्या में उस समय राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप समाजवादी पार्टी ने किया। प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, केवल 1990 में ही नहीं, जब भी समाजवादी पार्टी को अवसर मिला, कोई व्यक्ति क्या अपने आप को सुरक्षित पाता था? आज मैं कह सकता हूं हमारी सरकार जब अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है, तो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वह किसी भी पंथ और वर्ग से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति सुरक्षित है। याद रखना, दंगे जब होते हैं, अगर हिंदू का घर जलेगा तो मुसलमान का घर सुरक्षित थोड़े रहता है, अगर हिंदू का घर सुरक्षित है तो मुसलमान का घर भी सुरक्षित है।